इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बठिंडा शहर के मध्य में 100 फुट ऊंचा किला किला मुबारक दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक किला माना जाता था, क्योंकि उसके 36 गढ़ों में शक्तिशाली तोपें रखी थीं। आज इसे बठिंडा किले के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये देश के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है। आज के पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित बठिंडा शहर महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभा चुका है। प्राचीन युग में ये हड़प्पा सभ्यता का आबादी वाला हिस्सा रहा है। समय के साथ ये अपने स्थान की वजह से भी महत्वपूर्ण होता गया। इसकी एक वजह तो ये थी कि ये मुल्तान को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता का हिस्सा था। दूसरा ये कि ये दिल्ली जाने के रास्ते में आराम करने की जगह भी था। अब सवाल ये है कि बठिंडा और किला मुबारक की कहानी शुरू कहां से होती है। भारत के प्राचीन शहरों में से एक है बठिंडा। इस शहर में सरकारी तौर पर तो बहुत ज्यादा खुदाई नहीं हो पाई, पर यहाँ अक्सर मकान बनाते वक्त या खेत जोतते वक्त कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं। बठिंडा का किला भी देश के 3 प्राचीनतम किलों में से एक है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे पहली शताब्दी में बनाया गया था। रिस्टोरेशन के टाइम ASI ने देखा कि इसमें जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो कुषाण युग से जुड़ी हुई हैं। आसपास के इलाके से जो सामान मिला है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह जगह सिंधु घाटी के समय से आबाद है। ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु का जिक्र है, बठिंडा शहर उसी इलाके में पड़ता है। लाहौर म्यूजियम में एक शिलालेख रखा हुआ है जो बठिंडा के हाजी रतन दरगाह से खुदाई के वक्त मिला था। 10वीं शताब्दी के इस लेख पर इस जगह का नाम त्रिबंधनपुरा और यहाँ के राजा का नाम शत्रुघ्न देव अंकित है। इसके बाद जब सल्तनत काल आता है तो इस जगह को तब्र हिंद कहा जाता है। खलीफा मोहम्मद खान अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पटियाला में इस जगह का पुराना नाम विक्रमगढ़ बताते हैं। मुल्तान के रास्ते पर बठिंडा एक महत्वपूर्ण शहर है। अक्सर हमलावर जो है वो इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ कूच करते थे, लिहाजा इसका जो किला है बठिंडा का वो दिल्ली की सुरक्षा के हिसाब से बेहद आवश्यक बन जाता है। पहली शताब्दी में कुषाण साम्राज्य को हूण हमलावरों से काफी खतरा था। जो सबसे पुरानी फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ मिलती है वो इसी काल की है, और माना जाता है कि राजा दाब ने यहाँ एक मिट्टी का किला बनाया था जिसे आगे चलकर जो है और मजबूत कर दिया गया। जो बाद के राजा आते हैं वो उसके बाहर एक और बड़ी दीवार तैयार कर देते हैं और जो मौजूदा शक्ल है उसको वो दे दी जाती है। तीसरी शताब्दी में राजपूत राव भट्टी यहाँ आबादी कायम करते हैं जिससे इस जगह का नाम बठिंडा हो जाता है। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी जिन्होंने भारत पर 17 बार हमला किया, उसने अपने शुरुआती हमलों में ही हिंदूशाही राजाओं से इस किले को जीत लिया था, जिसकी वजह से उसका भारत में आगे का जो सफर है वो आसान हो गया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य को मोहम्मद घोरी से बचाने के लिए इस किले को अपनी उत्तरी चौकी बनाया था, पर घोरी ने किसी तरीके से इस किले को हथिया लिया और यहाँ से अपने आप को और मजबूत करके उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और तराई के युद्ध में उसे हरा दिया। हम जानते ही हैं 2 युद्ध हुए तराई में, और यहाँ से जब पृथ्वीराज चौहान हारा मोहम्मद घोरी जीता तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर बनाकर दिल्ली भेज दिया, जहाँ आगे चलकर उसने गुलाम वंश की स्थापना की। किला मुबारक के गढ़ों ने शताब्दियों तक घमासान युद्ध देखे हैं, और शायद यही वजह रही है कि भारत पर हमला करने आए महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी भी यहां ठहरे। यही कारण रहा कि दिल्ली के सल्तनत ने दिल्ली पर नियंत्रण रखने के लिए हमेशा बठिंडा के महत्व को समझा। 13वीं शताब्दी में बठिंडा उस वक्त भी सुर्खियों में आया जब दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान को कैदी बनाकर यहां लाया गया। रजिया कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी तुर्कन खातून की बेटी थी। तुर्कन खातून की शादी ऐबक ने अपने एक गुलाम अल्तमश से करवा दी, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है। अल्तमश की मृत्यु के बाद उसका बहुत उठापटक हुई।
करते करते किसी तरह से तक जो है वो रजिया सुल्तान के पास आ जाता है। वो अपने आप को सुल्ताना नहीं कहलवाती, वो अपने आप को सुल्तान कहलवाती है। उसने पर्दा भी नहीं किया, मर्दों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हाथी पर बैठ के सवारी करनी शुरू कर दी सरेआम। उसके जो मुस्लिम दरबारी थे वो उससे काफ़ी परेशान हो गए और पूरी सल्तनत में बगावतों का दौर बुलंद हो गया। और इसी बीच दरबारियों ने बठिंडा के अमीर के साथ मिलकर रजिया को हटाने की साजिश की। बठिंडा की बगावत को दबाने के लिए जब रजिया यहाँ आई तो वो जंग में बुरी तरह हार गई और उसके सभी वफादार सिपाही मारे गए। रजिया को भी बंदी बना लिया गया। दिल्ली में किसी तरह ही अफवाह फैल गई कि रजिया जो है वो इस जंग में मारी गई है। ऐसे में वहाँ यहाँ दिल्ली के दरबारियों ने क्या किया कि उसके भाई बहराम को सुल्तान घोषित कर दिया। बठिंडा में जो अमीर था उसको ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि रजिया को हराने पर बाकी अमीर जो है वो उसका साथ देंगे, पर उसे समझ आ गया कि उसे भी दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में उसने रजिया के साथ फिर से समझौता करने की सोची। ये शख्स था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। ये बठिंडा में ही पैदा हुआ था और रजिया सुल्तान की मेहरबानी से यहाँ का गवर्नर बन गया था। उसने जाकर रजिया से बात की। रजिया के पास और कोई चारा नहीं बचा था, उसने भी समझौते के लिए हाँ कर दी। एक दूसरे से वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने आपस में शादी कर ली और बठिंडा से दिल्ली पर हमले की योजना बनाने लगे। आगे चलकर इनका और बहराम का युद्ध होता है जिसमें बहराम जीत जाता है। रजिया जब वापस बठिंडा आ रही होती है तो उसके सिपाही उसका साथ छोड़ देते हैं, अलग दिशा में चले जाते हैं और उसे अकेले पाकर कैथल में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। रजिया सुल्तान की मौत के साथ एक ऐसी अद्भुत महिला के जीवन पर पर्दा पड़ गया जिसने 13वीं शताब्दी में पितृसत्ता की तमाम परंपराओं को तोड़ डाला था। आज भी पुरानी दिल्ली की गलियों में तुर्कमान गेट के पास रजिया सुल्तान का मकबरा मौजूद है, हालांकि उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। लेकिन बठिंडा हमेशा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण गढ़ रहा जो उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहते थे। 16वीं शताब्दी में बाबर भी इसी रास्ते से गुजरे थे, वो यहाँ अपनी चंद तोपें भी छोड़ गए थे। उसके बाद एक लंबे समय तक घग्गर नदी और अन्य नदी नालों के सूख जाने के वजह से बठिंडा किला खंडहर में बदल कर नजरों से ओझल हो गया था। उसके बाद सन 1754 में पटियाला की प्रिंसली स्टेट की शुरुआत करने वाले महाराजा आला सिंह ने बठिंडा किले को जीत लिया था। इस तरह इस किले ने एक के बाद एक शासकों को देखा है। आगे चलकर बठिंडा का किला कई फौजदारों की कमान में रहता है। सिख धर्म के गुरु भी बठिंडा शहर आए। गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर का इसमें जिक्र आता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी बाकायदा इस किले में कुछ दिन रहे, जिससे आगे चलकर बठिंडा के किले का नाम गोविंदगढ़ हो गया। आज भी इसके अंदर एक गुरुद्वारा मौजूद है। 1731 में पटियाला के राजा अमर सिंह ने इस किले को एक लंबी जंग के बाद जीत लिया और पटियाला घराना इसे अपनी आरामगाह की तरह इस्तेमाल करने लगा। किला अंदरून यानी कि किले के अंदर के भाग में कई महलों का जिक्र मिलता है, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो खत्म हो चुके हैं। इनमें मोती महल, राजमाता महल, शीश महल, जेल वाला महल, मेहताब महल, रंग महल, बाग घर और पुतली घर शामिल हैं। किले के नीचे गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बना हुआ है, प्रॉपर सीवेज लाइन है और साथ ही लंबी सुरंगों से जुड़ा एक सर्द कमरा है, ठंडा कमरा है, जिसमें सुरंग से जो है वो हवा इस तरीके से आती है कि वो कमरा बहुत ठंडा रखा जाता है। और यहाँ किले में एक शाही रसोई भी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इसमें 35,000 लोगों का एक साथ खाना बनता था और इसे लस्सी खाना कहा जाता था। महाराजा करम सिंह ने यहाँ 1835 में एक गुरुद्वारा बनवाया जो आज भी मौजूद है। अफसोस कि किले का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसके कई बुर्ज टूट चुके हैं, महल भी खत्म हो चुके हैं। जिस रानी महल में रजिया सुल्तान को कैद रखा गया जो मेन गेट के ऊपर की तरफ है, हाल में वो ढह गया था, उसमें फिर रिस्टोरेशन का काम भी शुरू हुआ। इसके पास एक नदी बहा करती थी जो अब पूरी तरह से सूख चुकी है। आसपास की भीड़भाड़ वाले बाजार के चलते सरकार के लिए यहाँ जो बाहरी दीवार है उसका रेस्टोरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और गुरुद्वारा होने की वजह से किला हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। इसके अलावा और यात्री भी यहाँ आते रहते हैं। किले में गुरुद्वारे और बाग के अलावा बाबर के ज़माने की कुछ तोपें भी रखी हैं जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज की तारीख में इसे बठिंडा का किला मुबारक कहा जाता है।
बठिंडा का किला मुबारक न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे उत्तरी भारत के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक है। पिछले 2000 साल में इसने कई राजवंशों को फलते फूलते और सेनाओं को गुजरते हुए देखा, लेकिन ये किला आज बदहाली का शिकार है। अंदर की तरफ बने कई महल ढह चुके हैं। इनमें वो रानी महल भी शामिल है जिसमें रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। लेकिन इस महल की मरम्मत और देखभाल करने के लिए आवाजें भी उठाई जा रही हैं।